ज्ञानेश्वर मुले जी हमारे महाराष्ट्र के विचारवंत भी है और अच्छाई के लिए, सकारात्मक के लिए, सद्भावना के लिए वो बहुत सालों से काम करते हैं। लगातार 3 साल से उन्होंने मतलब ये प्रोग्राम शुरू भी किया है और उसका एक राष्ट्रीय महोत्सव डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर जो शास्त्री भवन के पास दिल्ली में है वहाँ 23 तारीख को हो रहा है। मुझे इनका निमंत्रण आया था लेकिन इस निमंत्रण का मैं स्वीकार करने वाला ही था लेकिन इसके पहले ही मेरा प्रोग्राम मेरा कराड में तय हुआ था, इसीलिए इस प्रोग्राम में मैं उपस्थित नहीं रह सकता हूँ। लेकिन मुझे बहुत बड़ा अभिमान है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया है, इस संविधान का जो भारत है, भारत खड़ा करने की जिम्मेदारी हर नागरिक की है। देश में बहुत सारी जातियाँ हैं, बहुत सारे धर्म है, बहुत सारी भाषाओं के लोग हैं, लेकिन भाईचारा मजबूत करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है और ये साल अपने आज़ादी का अमृत महोत्सव है, 75वां साल है। अपने आज़ादी के लिए बहुत सारे लोगों ने बहुत बड़ा संघर्ष किया है और अंग्रेज़ों को 150 साल के बाद अपना देश छोड़कर इंग्लैंड जाना पड़ा है। अभी हम आज़ाद भारत में रहने वाले हम आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हम यही अपेक्षा करते हैं कि सद्भावना में मजबूत हो, सकारात्मकता में मजबूत हो और अच्छाई का काम जो है सभी लोगों ने जिंदगी में करना चाहिए। इसीलिए ज्ञानेश्वर मुले जी से मेरे बहुत नज़दीक के संबंध है, बहुत सालों से एक रचनात्मक दृष्टिकोण रखने वाले वो नेता भी है, कार्यकर्ता भी है, विचारवंत भी है और इसीलिए मतलब मैं इस प्रोग्राम के अवसर पर मैं ज्ञानेश्वर मुले जी और सभी को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ और एक भारत सक्षम भारत के रूप में खड़ा हूँ। सामाजिक एवं आर्थिक समानता जो है ये भारत के हर गांव-गांव में आनी चाहिए, उसके लिए हम सब लोगों ने प्रयत्न करने की आवश्यकता है। तो मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं ज्ञानेश्वर मुले जी और प्रोग्राम में उपस्थित सभी हमारे तमाम लोगों को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान का भारत खड़ा हो उसके लिए हम सब लोग मिलकर कोशिश करते रहेंगे, हाथ में हाथ मिलाकर, दिल से दिल मिलाकर हम सक्षम भारत मजबूत करेंगे, ऐसी मैं आशा व्यक्त करता हूँ और फिर एक बार मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। नमस्कार, प्रणाम, जय भीम, जय भारत, जय आज़ादी का अमृत महोत्सव। We'll be right back.